हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का मैथमेटिक का चैप्टर 3 HCF एंड LCM का प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है 25, 40। तो इन्हें पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर्स में कर लेंगे। ये नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 25 किस से डिविजिबल है वो देखना है। 25 से डिविजिबल है। 5 5 25 5 1 5। तो ये हो गया। अभी 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 2 2 10 2 20 40। 2 2 4 0। फिर 2 से डिविजिबल है 20। 2 1 2 0। फिर अभी ये किससे डिविजिबल है, 10 2 से। 2 5 10। अब 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 5 के टेबल से डिविजिबल है। 5 1 5। तो अभी इनके प्राइम हमारे पास इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अभी हम लिख लेंगे इन्हें। तो 25 = 5 × 5। 40 = 2 × 2 × 2 × 5। तो अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या है। 5 एक कॉमन हो गया। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, 5 5। तो HCF = 5 हो गया। इस तरह से हमें निकालना है फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। फिर देखना है इनमें से कॉमन क्या है। इनमें से 5 5 कॉमन है तो HCF क्या रहेगा हमारा, 5 रहेगा। अभी सेकेंड सम करते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड सम है 56 32। तो पहले क्या करेंगे, 56 के पूरे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर प्राइम फैक्टर्स के निकालेंगे क्या करना है, 56 किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 2 4 1 इधर आ जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। अब वापस से 28 2 से डिविजिबल है, 2 2 1 2 2 4 8। अब 14 किससे डिविजिबल है, 2 से फ्रेंड्स। तो 2 7 14। अब 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो 7 7 1 7। अब 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 32 किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 2 1 2 1 इधर रिमेन हो जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा। तो 2। अब 2 8 16। अब ये 8 भी 2 से डिविजिबल है तो 2 4 8। और अब 2 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है तो 2 2 4। और 2 किससे डिविजिबल है, अब 2 से ही 1 जा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, अब लिख लेंगे इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो 56 = 2 × 2 × 2 × 7 लिख लेंगे। फिर 32 अभी लिख लेंगे, 32 = 2 × 2 × 2 फिर × 2 2 × 2 वापस से एक बार। अब इधर आ जाएगा 2। तो 5 × 5 × 2 है तो इधर भी हमारा 5 × 2 है। अब देखेंगे इनमें से कॉमन क्या है। तो इधर 1 एक बार कॉमन हो गया, इधर भी एक बार 2 कॉमन हो गया, वापस से 2 कॉमन है, इधर वापस से 2 कॉमन है, फिर 1 1 अगेन × 2 फिर इधर। तो ये 3 नंबर इसमें 3 × 2 कॉमन है, इधर भी 3 × 2 कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, HCF = 2 × 2 × 2। जो कॉमन है वो एक ही टाइम लिखना है हमें, इधर बार बार इधर नहीं लिखना। जो कॉमन है इतना 3 times इनमें कॉमन है तो ये होगा। 2 2 4 हो गया। अभी इधर 2 4 2 क्या हो गया फ्रेंड्स, 8 हो गया। तो हमारा HCF क्या आ गया, HCF = 4। इस 8 हो गया सॉरी। तो हमारा HCF क्या आ गया, 8। तो इस तरह से हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग और भी सम करते हैं। अब करते हैं फ्रेंड थर्ड सम। थर्ड सम है हमारा
फोर्टी, सिक्सटी और 75। तो अभी क्या करेंगे, पहले 40 को, 40 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 40 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 टू ज़ा 4, 0 टू 0 ज़ा 0। अब 20 किससे डिविजिबल है, 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। अब क्या करेंगे, देखेंगे 10 किससे डिविजिबल है, 10 है 2 से डिविजिबल, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब हो गया हमारा 5, एक प्राइम नंबर है, तो 5 वन ज़ा 5। अब 60 के निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0। अब 2, ये 30 भी 2 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10। तो ये 15 किससे, 3 से डिविजिबल है, 3 5 ज़ा 15। और ये 5 किसे, 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 5 वन ज़ा 5। अब 75 का करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 75 किससे डिविजिबल है, अभी 5 से डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है फ्रेंड्स, कोई भी अगर नंबर को हम, अगर द सम ऑफ ए नंबर, अगर कोई भी नंबर को हम ऐड करें, तो उसका अगर वो नंबर, अगर कोई भी नंबर को ऐड करते हैं, तो उसका जो आंसर रहता है, अगर वो 3 के टेबल में आ जाता है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इधर क्या है, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 हो जाएगा। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15। अब ये 25 किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 ज़ा 25। अब ये 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो खुद के टेबल में ही आएगा, तो 5 1 ज़ा 5। तो देखो अभी हम लोग ने सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, अभी इनको हम प्रोडक्ट में लिखेंगे, किसके, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। तो 40 इज इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 60 इज इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 75 इज इक्वल्स 3 इंटू 5 इंटू 5। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को देखना है इनमें से कॉमन क्या है, तो अभी देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, इसमें 5 कॉमन है फ्रेंड्स, देखो इधर 5, इधर 5 और इधर 5, तो इसमें 5 कॉमन है, तो एच सी एफ इज इक्वल्स 5। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आपको पहले क्या करना है, आपको जो नंबर दिए गए हैं, टू नंबर्स दिए गए हैं, अगर 3 नंबर्स दिए गए हैं, कितने भी नंबर दिए गए हो आपको, आपको क्या करना है, बस वो नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैं आपके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा, और आपको पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए। आई होप आप लोग ने 6th स्टैंडर्ड में सीखा होगा वो। तो क्या है करना है आपको, कोई भी नंबर जो दिया गया है आपको, उसके बस खाली उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसमें से देखना है उनके सारे प्राइम फैक्टर्स जो निकाले हैं आप, उसमें से देखना है कौन सा कॉमन है, जो कॉमन रहेगा वो आपका HCF रहेगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCDB वो दोनों मतलब सेम ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, GCDB मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको क्या करना है, बस खाली प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं नंबर के, और उसमें से देखना है कौन सा कॉमन नंबर है, कौन सा कॉमन प्राइम नंबर है, तो वो जो नंबर रहेगा कॉमन वही आपका HCF रहेगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और भी सम करेंगे अभी हम लोग, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स फोर्थ सम करेंगे, तो फोर्थ सम है हमारा 16 और 27। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग हर सम में कर रहे हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, पहले 16 का निकाल लेते हैं फिर 27। तो 16 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 2 से डिविजिबल है, 2 8 ज़ा 16। तो अब क्या करेंगे, 8 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 4 ज़ा 8। तो अब क्या करेंगे, 4, 4 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 2 ज़ा 4। तो अब 2 किससे डिविजिबल है, 2 से 1 ज़ा। तो अब 27 के प्राइम फैक्टर्स का निकाल लेंगे हम लोग, 27 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 9 ज़ा 27। 9 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 3 से, 3 3 ज़ा 9। अब 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3
खुद के टेबल से ही डिविजिबल होगा, 3, 3, 3, 1 जा 3। तो इस तरह से हम लोग ने अब इनके प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर्स काट लिए हैं, इनको लिख लेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 16 इज इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 27 इज इक्वल्स 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको क्या ध्यान में रखना है, इधर के ही नंबर्स लिखने, क्योंकि ये जो इधर के नंबर रहेंगे वही आपके प्राइम नंबर रहेंगे। अभी देखना है इसमें से कॉमन क्या है, ये पूरे क्या है 3 है, ये क्या है पूरे 2 है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि अगर कोई नंबर कॉमन नहीं रहता तो देखो अभी क्या आंसर आता है, नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉमन कॉमन डिवाइजर हैंस HCF इज इक्वल्स 1। अगर कभी भी आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिले, इधर ये पूरे 2 है और ये पूरे 3 है, तो अगर आपको कोई भी नंबर कॉमन इधर नहीं मिले फ्रेंड्स, तो आपका HCF डायरेक्टली आप कंसिडर करना कि आपका HCF 1 ही है, क्योंकि नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉमन डिवाइजर हैंस HCF 1। अगर आपका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं रहेगा, कोई भी कॉमन डिवाइजर मतलब फैक्टर नहीं रहेगा, कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा आपको एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, 1 तो सबका रहता है कॉमन, आपको मालूम ही होगा 1 सबका कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर जाते हैं। तो अगर कोई भी कॉमन नंबर आपको इधर नहीं मिलता, तो आप कंसिडर करना कि आपका HCF डायरेक्टली 1 ही होगा। 2 आपको समझ में आ गया होगा। अभी फिफ्थ सम करते हैं, तो फिफ्थ सम करते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ सम है हमारा 18, 32, 48। तो पहले 18 का क्या कर लेंगे हम लोग, 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 18 किससे डिविजिबल है, 2, 2 9 जा 18। अब 9 किससे डिविजिबल है वो देखना है, तो 9 3 से डिविजिबल है, 3, 3 जा 9। अब ये 3 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3, 1 जा 3, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। तो अब 32 देखते हैं, तो 32 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 2 से डिविजिबल है, 2, 1 जा 2, 1 कैरी ओवर, 2, 6 जा 2, 1। अब 16 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2, 8 जा 16। अब 8 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2, 4 जा 8। अब 2 किससे डिविजिबल है वो देखना है, 2 से, 2, 2 जा 4। अब 2 किससे डिविजिबल है, ऑब्वियसली प्राइम नंबर है तो खुद के टेबल से डिविजिबल होगा, 2, 2 जा 2, 2 से डिविजिबल है, 2, 1 जा 2। अब क्या करेंगे, अब 48 का डिविजिबिलिटी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 48 किससे डिविजिबल है, 48 भी 2 से, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8। 24 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 2 से, 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4। अब 12, 2 से ही, 2, 6 जा 12। अब 6 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2, 3 जा 6। अब 3, 3, 1 जा 3। तो अब इनके क्या करेंगे, अब इनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, 18, 2 into 3 into 3, 32 is equals 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2 m into 2। अब 48 is equals 2 into 2 into 2 into 3। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, तो 3 से डिविजिबल है। अब देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है फ्रेंड्स, इनमें 2, 2 और 2। तो 2, 2 इनमें कॉमन है, तो HCF इज इक्वल्स 2। तो हमारा HCF क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि ये सब
टू से डिविजिबल है फ्रेंड्स। तो सिक्स सम कर लेते हैं, सिक्स सम है हमारा 105, 154। तो पहले 105 के हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये किससे डिविजिबल है, टू से, नहीं सॉरी टू से नहीं, फाइव से डिविजिबल है फ्रेंड्स। तो फाइव टू ज़ा 10, फाइव वन ज़ा 5। अब 21 किससे डिविजिबल है, थ्री से, थ्री सेवन ज़ा 21। अब 7 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 7 से, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, 7 वन ज़ा 7। अब 154 का प्राइम फैक्टर्स काट लेते हैं। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर आ जाएगा तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। अब ये किससे डिविजिबल है, 77 11 से डिविजिबल है, 11 7 ज़ा 77। तो अब 7 किससे डिविजिबल है, 7 से, 7 वन ज़ा 7। तो अब हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 105 इज इक्वल्स 5 × 3 × 7। अब 154 इज इक्वल्स 2 × 11 × 7। तो अब इनमें से कॉमन क्या है फ्रेंड्स, इनमें से कॉमन है 7 और 7, इनमें से कॉमन 7 7 है, तो HCF इज इक्वल्स 7 आ जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, 7। इस तरह से आपको करना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 7 सम कर लेते हैं फ्रेंड्स, 7 सम है 42 45 48। तो 42 45 48, तो 42 को लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 42 का, 2 से डिविजिबल है 42, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो अब 21 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 7 ज़ा 21। अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो खुद से, खुद के टेबल और 1 से ही, तो खुद के टेबल से डिविजिबल होगा 7 7 1 ज़ा 7। तो अब 45 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, किससे डिविजिबल है ये, 45 5 से, 5 9 ज़ा 45, 9 किससे डिविजिबल है अभी फ्रेंड्स, 3 से, 3 3 ज़ा 9। अब 3 किससे डिविजिबल है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही डिविजिबल होगा, तो 3 3 1 ज़ा 3। अब किससे, 48 किससे डिविजिबल है, 48 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 48 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब ये 24 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 12 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 2 से, 2 6 ज़ा 12, 6 भी 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 3 भी, 3 1 ज़ा 3। तो अब इनको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो अब प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 42 इज इक्वल्स 2 × 3 × 7। 45 अब देख लेते हैं, 45 इज इक्वल्स 5 × 3 48 देख लेते हैं फ्रेंड्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो कितने टाइम है, 4 × 2 है और 3 है। तो अभी इनमें से कॉमन क्या है फ्रेंड्स, वो देखते हैं। कॉमन इनमें से है, इधर 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है, इधर भी 3 कॉमन है। तो HCF इज इक्वल्स 3। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। तो फ्रेंड्स 8 सम कर लेते हैं, 8 सम हमारा 57 75 102। तो चलो 57 का के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 57 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 2 इधर आ जाएगा, 3 7 3 9 ज़ा 27। अब 19 एक प्राइम नंबर है, तो
19 वन 19, अब 75, अब 75 किससे डिविजिबल है, 5 से, 5 वन 5, इधर 2 आ जाएगा तो 5 5 25। अब 15 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 5 15। अब 5 किससे डिविजिबल है, 5 से, तो 5 वन 5। अब 102 के प्राइम फैक्टर्स क्या है देख लेते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 2 5 10, 2 1 2। अब 51, 51 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 3 से, 3 1 3, 2 इधर 2 आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, 3 7 21। 17 प्राइम नंबर है तो 17 1 71। अब इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, तो चलिए प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखते हैं। 57 इज इक्वल्स 3 इंटू 19, 75 इज इक्वल्स 5 इंटू 3 इंटू 5, 102 इज इक्वल्स 2 इंटू 3 इंटू 17। अब इनमें कॉमन क्या है फ्रेंड्स, ये देखो इधर 3 आपको दिखा, इधर भी 3 दिखा, देखो इधर 3 है और इधर भी 3 है, तो 3 क्या हो गया हमारा HCF इज इक्वल्स 3, तो HCF क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। तो अभी चलिए 9th सम करते हैं, 9 तो 9th सम है हमारा 56 57। तो 56 के पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 56 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 56 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 1 इधर आ जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा, तो ये किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 1 2, 2 4 8। अब 14 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 7 14, 7 किससे डिविजिबल, 7 1 7। 57 का देख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या है, 57 किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, 3 से डिविजिबल है, तो अब 3 1 3, 2 इधर आ जाएगा तो 3 9 27 हो जाएगा, और 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 1 19। अब क्या करेंगे, तो 56 इज इक्वल्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 57 इज इक्वल्स 3 इंटू 19। अब देखेंगे इनमें से कॉमन क्या है फ्रेंड्स, तो इनमें से कॉमन क्या है, अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है इसमें से, आपको कोई कॉमन दिखता है, ये 2 2 2 है, 7 है, 3 19, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो नो नंबर, आपको ऐसे लिखना है डेफिनेशन, नो नंबर एक्सेप्ट 1 इज अ कॉमन डिवाइजर, क्या है डिवाइजर, हेंस लिखना है फिर, हेंस HCF इज इक्वल्स 1, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं रहा तो हमारा HCF 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, आप 1 कंसिडर कर देना। अब करते हैं 10th सम, तो 10th सम क्या है फ्रेंड्स हमारा, 777 315 588। तो पहले 777 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, 3 7 + 7 14 हो जाएगा, +7 21, तो 21 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 2 6, 1 इधर आ जाएगा तो 3 5 15, 2 इधर आ जाएगा तो 3 9 27। अब देखते हैं 259 किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 7 से, क्योंकि 7 3 21, 4 बच जाएगा इधर तो 7 7 49, ये 37, 37 किससे डिविजिबल, 37 1 37। 5 1 3 1 5, तो अब ये किससे डिविजिबल है, 5 से, तो 5
टू जा फाइव सिक्स जा 30 हो जाएगा फ्रेंड्स, फाइव सिक्स जा 30, और अब वन इधर बच जाएगा, 31 है तो वन इधर, फाइव थ्री जा 15, अब तो 63 क्या हो जाएगा, 63 किससे डिविजिबल है, 3 से, तो 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, अब देखते हैं 21 किससे डिविजिबल है, 3 से, तो 3 7 जा 21, तो 7 किससे डिविजिबल है, 1 से, तो 7 वन जा 7, अब देखते हैं 588 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 टू जा 4, 1 इधर आ जाएगा तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अब देखते हैं 294 किससे डिविजिबल है, 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 इधर आ जाएगा तो 2 7 जा 14, अब ये किससे डिविजिबल है फ्रेंड्स, ये देखो 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, तो 12 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 4 जा 12, इधर आ जाएगा 2, तो 3 9 जा 27, तो 49, 3 7 से डिविजिबल है, 7 7 जा 49, तो 7 किसी डिविजिबल से, 7 से, 7 1 जा 7, अब हम लिखेंगे इनको प्रोडक्ट फॉर्म में, 777 इज इक्वल्स 3 इंटू 7 इंटू 37, अब इधर क्या है, 315 इज इक्वल्स 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, अब इधर नीचे लिख लेते हैं 588 इज इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 7, तो अब इनमें से सॉरी मल्टीप्लाई बाय 7, तो अब देखते हैं इनमें से कॉमन क्या है फ्रेंड्स, तो इनमें से कॉमन है सो फ्रेंड्स इनमें कॉमन है 3 7 3 7 और इधर भी 3 और इधर भी 7, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल्स 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 21, तो हमारे ये 10th सम फिनिश हुए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 275, तो क्या हो गया 275 को फ्रैक्शन 5 अपॉन 525, तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो ये है 275 अपॉन 525, अभी ये हम लोग को फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, और क्या बोला गया है हमें इसका HCF फाइंड आउट करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हमें ये HCF फाइंड आउट करना है पहले, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो पहले देख लेते हैं HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, बड़े नंबर को डिवाइड करना है, तो इसमें से बड़ा क्या है 525, तो 525 को डिवाइड करेंगे किससे, 275 से डिवाइड करना है हमें, और इधर, तो अभी डिवाइड करेंगे, तो क्या कर लेते हैं पहले 275 इंटू 2 करके देख लेते हैं, 25 जा 10 हो जाएगा हमारा, 27 जा 14 प्लस 1 15, तो 22 जा 4 प्लस 1 5, तो 550 हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है तो 1 जा लेंगे हम लोग, 1 जा ही ले लेते हैं 275, तो 50, अभी इधर क्या करेंगे 4 कर लेंगे इधर, तो इधर 12, तो इधर 5 जा 2, तो 250 हमारा आ गया, अभी हम लोग को क्या करना है प्रीवियस डिवाइजर, तो प्रीवियस डिवाइजर कौन सा हमारा, ये है प्रीवियस, इसे डिवाइजर बोलते हैं जिससे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रीवियस डिवाइजर को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अभी प्रीवियस डिवाइजर को हमें डिवाइड करना है रिमाइंडर से, तो प्रीवियस डिवाइजर को अभी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से हम लोग, तो वन जा आ जाएगा ना इधर 250, तो अभी 5 माइनस 0 5 7 माइनस 5 2 0, तो 25, अभी हम लोग प्रीवियस रिमाइंडर क्या है हमारा अभी 250, तो अभी 250 को डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड करना है हमें 250 को,
250 को 25 से, तो 25 वनजा 25, अब जीरो आ गया, अब और एक जीरो नीचे ले लेते हैं, 25 जीरो जा जीरो, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। तो अब हमें हमारा एच सी एफ क्या रहेगा मालूम, जो रिमाइंडर जो डिवाइजर से जो डिवाइजर जो रहता है ना हमारा, उसको डिवाइड उससे डिवाइड करने के बाद जिसमें हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, जब हमारा रिमाइंडर जीरो आता है उसका जो डिवाइजर रहता है ना वो हमारा एच सी एफ रहता है। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा 25, क्योंकि ये जब हमें जीरो मिल जाता है उसका जो डिवाइजर रहता है जो डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद जब हमें जीरो मिलता है तो वो जो डिवाइजर रहता है वो एच सी एफ रहता है। तो हमारा एच सी एफ 25 हो गया। अभी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो नंबर का हम लोग ने एच सी एफ इधर निकाला था ना वो नंबर को हमें डिवाइड करना है एच सी एफ से। तो देयरफॉर 275 अपॉन 525 को डिवाइडेड बाय 275। अभी इनको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो हमें किसको डिवाइड करना है 275 को, तो 275 को डिवाइड करना है किससे 25 से, तो 25 वन्स आर 25 और इधर टू रिमाइंडर आ जाएगा, इधर 5 नीचे ले लेंगे तो 25 वन्स आर 25, तो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हमारा आंसर इधर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, हमारा आंसर 11। अब करते हैं 525 को डिवाइड करके देखते हैं किससे, अब 25 से, तो 25 क्या हो जाएगा 25 टू ज़ा 50, जीरो टू आ जाएगा इधर टू और 5 आ जाएगा नीचे तो 25 हो जाएगा, तो 25 वन ज़ा 25 तो इधर ज़ीरो तो इधर आ जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, आंसर क्या आ गया, आंसर 11 अपॉन 21। तो हमारा आंसर 11 अपॉन 21 है और हमारा एच सी एफ क्या है, एच सी एफ इज इक्वल्स 25, तो ये हमारा आंसर, तो हमारा आंसर आ गया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें ये सम करना है। अब आते हैं सेकेंड सम पर, तो सेकेंड सम है फ्रेंड्स हमारा, सेकेंड सम कर लेते हैं 76 133, तो 76 अपॉन 133, तो क्या हमें क्या करना है, बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से, तो 133 को डिवाइड करेंगे 76 क्योंकि वो एक छोटा नंबर है, तो 76 को देख लेते हैं 76 थ्री ज़ा करके, थ्री सिक्स ज़ा 18, तो 18 थ्री सेवन ज़ा 21 हो जाएगा प्लस 1 22, तो ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो 76 टू ज़ा करके देखते हैं, 76 टू ज़ा क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, 26 ज़ा 12, 27 ज़ा 14 प्लस 1 15, 152, ये भी मोर हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे 1 ज़ा लेंगे, तो 76। अब क्या करेंगे हम लोग, इधर इसको बनाएंगे 2 और ये बन जाएगा 13, तो 13 माइनस 6 तो 7, 6 के बाद हमें गिनना है 7 ना, तो 7 8 9 10 11 12 13, तो 7 आंसर आ गया हमारा, और 2 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इधर 0 इधर 12 माइनस 7 तो 5 आंसर आ गया, तो 57 आ गया। तो अभी क्या करना है हमें, प्रीवियस डिवाइजर जो है उसे डिवाइड करना है अभी, तो प्रीवियस डिवाइजर क्या है 76, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे अभी उसे, तो 57 वन ज़ा 57 कर लेते हैं, भी इसको क्या करेंगे ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगी 16,
तो सेवेंथ की बात गिनेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो आंसर आ जाएगा 9, 6 - 5, 1 आ जाएगा 19। अब क्या करना है, प्रीवियस रिमाइंड डिवाइजर क्या है 57, तो अभी 57 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 1 19 19 2 19 1 19 19 2 38 19 3 57, तो 19 3 क्या हो जाएगा 57, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस डिवाइजर जो डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद हमें 0 मिलता है, तो अब मैं 19 को मैंने लिया, तो 19 से मैंने डिवाइड किया तो मुझे 0 मिला, तो 19 को तो 19 मेरा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, तो HCF इज इक्वल्स 19। तो अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे किसे, 76/133 डिवाइडेड बाय 19 कर लेंगे, तो इन्हें 19 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स, अब 76 को डिवाइड करना है हमें 19 से, तो 19 1 19 19 2 38 19 3 54 19 4 76, तो हमारा क्या आंसर आएगा 4 आ जाएगा। अब करेंगे हम लोग इससे डिवाइड, 133/19, अब 133 को 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 1 19 19 क्या हो जाएगा, तो क्या होगा 19 7 133, तो रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इधर आ जाएगा आंसर हमारा 19 7, तो आंसर क्या मिला हम लोग को, आंसर इज इक्वल्स 4/7। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब फ्रेंड्स सिंपलेस्ट फॉर्म में करना उसे, अगर अभी हम लोग जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नंबर को अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिए, मतलब ये नंबर अभी किसी से कट नहीं हो सकता, ये नंबर किसी से कम कट नहीं हो सकता, तो हमारा HCF क्या था, HCF इज इक्वल्स 19, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब ये किसी से ये कट नहीं होने वाला, ये नंबर जो है अभी किसी से कट नहीं होगा, तो आंसर ये सिंपलेस्ट फॉर्म का आ गया HCF 19 था। अब आते हैं सेकेंड सम पर, तो थर्ड सम करेंगे फ्रेंड्स, अब थर्ड सम है हमारा 161/69, तो अभी क्या करते हैं 161 को 69 से करते हैं, तो 69 त्रीजा करके देखते हैं, त्रीजा 3 9 9 3 27, तो 27 3 6 3 6 क्या हो जाएगा 3 6 18 + 2 20, तो 207 हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है, तो अभी 2 करके देखते हैं, 2 9 2 9 18 2 6 12 + 1 13, तो 138 हो रहा है, तो 2 ले लेते हैं, तो 69 2 138, तो 138 ले लिया फ्रेंड्स हम लोग ने, तो अभी क्या करेंगे इस, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 11 हो जाएगा, तो 11 - 8 तो 9 10 11, तो 3 आ गया आंसर, अभी 5 - 3 2 1 - 1 0, तो अभी क्या करेंगे प्रीवियस रिमाइंडर क्या है डिवाइजर क्या है उससे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो अभी क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो कितने 23 को डिवाइड करके देखते हैं, 23 3 3 9 3 2 6, तो 23 3 69, तो 0 आ गया हमारा, जो अब 23 रिमाइंडर डिवाइजर यूज़ करने के बाद मुझे 0 मिला है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल्स 23 हो गया हमारा HCF। और अब हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 161 को 69 के साथ, तो 161 को 69 के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड
सॉरी, देयरफॉर 161 अपॉन 69 डिवाइडेड बाय 23 कर लेते हैं, 23। तो हमारा आंसर क्या आता है देखते हैं। अभी 161 को डिवाइड करते हैं 23 से, टू टू 23 वन से 23 कितने सा करके देखेंगे अब, 23 फाइव सा करके देखते हैं। तो 53 सा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा अभी, 5 5 5। तो 53 सा क्या हो जाएगा 15, 53 सा 15, 52 सा 10 प्लस 1 11। तो 111 आंसर आ रहा है 5 5 से डिवाइड करने के बाद। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अभी ये लेस है तो अभी देखते हैं हम सिक्सा करके देखते हैं। तो 23 सिक्सा तो क्या होगा देखते हैं, 6 3 18, 6 2 12 प्लस 1 13, तो 138 हो रहा है। तो वापस से हमें 138 मिल रहा है। तो अभी हम 7 सा करके देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, 7 सा करेंगे 23, 7 सा 7 3 7 7 7 3 21, 7 2 14 161 हो रहा है। तो 23 7 161, तो अब हमारा क्या आ गया आंसर, इधर 7 इधर हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं 69 से, तो 69 से 23 को 69 को डिवाइड करते हैं 23 से, तो 23 3 69 हो जाएगा। तो 23 3 69, तो हमारा इधर आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स, HCF क्या हो गया था हमारा, 23 हो गया था, HCF 23। फिर और हमारा आंसर क्या आ गया था, दैट फोर 161.69 डिवाइडेड बाय 23, ये करने के बाद हमें क्या मिला था, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद 7/3। तो हमारे यहाँ सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड सम भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखी और अंडरस्टैंड आपको अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।